कॉलोनी में 1015 आदमी बीमार है, डेंगू हो रहा है उनको, सबको हो रहा है, कोई भी आके कोई सुविधा नहीं है। परेशानी आ रही है, पानी नहीं होगा तो हम जानवर ना खाए पिलाएंगे, नहीं तो पास वापस कोटा जाएंगे। हमारे बहुत 3 दिन हो गए, बहुत परेशानी आ रही है पानी की, और हम नहीं होकर फिर हम कोटा वापस जाएंगे। बोर्ड नहीं तो लाइटों का समस्या, सब चीज की समस्या है यहाँ पे। मिले नहीं कोई आपका मंत्री जी से, यूआईटी अधिकारियों से? अधिकारी से आते ही नहीं है, और वो जाते हैं वहाँ यूआईटी में सुनाई तो करते ही नहीं है बिल्कुल। बीमारी लंपी में जो गाय मरी ना, वो अनुदान तो गौशाला वालों ने ले लिया और हम यूं ही रह गए। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल अपने आप को विकास पुरुष कहते हैं, ऐसे में उन्हीं की बनाई ये देव नारायण पशुपालक योजना जहां हम इस वक्त मौजूद हैं, उसकी स्थिति यह है कि इनको यहाँ पानी की ये जो बड़ी समस्या है, आप देखिए जो बड़ी संख्या में यहाँ पशुपालक यहाँ रहते हैं, करीब 700 के आसपास यहाँ घर हैं जिनमें पशुपालक रहते हैं, जो पहले कोटा शहर में रहते थे। मंत्री शांति धारीवाल ने ये योजना बनाई और जो पूरे पशुपालक थे कोटा के उनको यहाँ बसाया है। ऐसे में यहाँ जो पानी की समस्या है, जानवर बिना पानी के दिक्कत है। आप देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा कि वो नल वहाँ से वो उन्होंने चालू किया, पर नल में आप देखिए पानी नहीं आ रहा है, ऐसी स्थिति है। और कोटा से काफ़ी दूर है तो टैंकर से भी पानी मंगाने में बड़ी समस्याएं इनको होती है। ऐसे में मंत्री शांति धारीवाल बड़े बड़े दावे करते हैं, आप मैं दिखाना चाहूँगा। देखिए लाइन से इतने यहाँ मकान हैं, इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पशुपालक है वो बसे हुए हैं। पूरे कोटा से पशुपालकों को यहाँ बसा दिया गया था। उसके बाद आप देखिए जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी दूर दूर तक यहाँ पशुपालक ही पूरे बसे हुए हैं। ऐसे में जो खुद यहाँ के जो पशुपालक हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे कि इनको क्या समस्याएं हैं इस योजना में, क्योंकि योजना इतनी अच्छी बनी है कि इसमें स्कूल भी बनाया गया है जो जानवरों के लिए, अस्पताल भी बनाया गया है, पानी की टंकी भी यहाँ बनाई गई है, और पर उसमें पानी नहीं है। ऐसे में हम लोगों से बातचीत करेंगे, क्या समस्या है आप लोगों की? आए दिन हमारे इतनी अच्छी योजना जब वादा बता रहे हैं मंत्री जी की योजना बने, अपने आप को विकास पुरुष कहते हैं, तो क्या समस्या है? समस्या क्या है, सबसे बड़ी समस्या हमारे पानी और बिजली की है। पानी नहीं होगा तो हम यहाँ क्या करेंगे? और अगर पानी, आज 3 दिन हो गए पानी नहीं है जानवरों का, इंसान का होता है तो पाइपलाइन फूट जाती है तो चरा बांध के पानी पीने के बच्चे बच्चे का गुजारा कर सकता है। यहाँ 8 से 10 हज़ार पशु है, 10 हज़ार का पशु की व्यवस्था कहाँ से करेगा पब्लिक? इसके लिए हमने कई अधिकारी को फ़ोन कर दिया, सबको बात कर ली, सबने कह दिया कि आज आ रहा, कल आ रहा, परसों आ रहा। अगर कल पानी 3 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम को नहीं आया तो टोटल पशुपालक कोटा जाने के लिए तैयार है। इनको मैं समझा के परेशान हो गया, और मेरा हाँ मतलब एक भी पशुपालक नहीं मानेगा, सारे पूरी योजना खाली होकर कोटा सेट जाएगी। इनका जिम्मेदार यूआईटी और प्रशासन जिम्मेदार होगा, जलदाय विभाग। तो आप देखिए जो ये पानी की है जो बड़ी समस्या है, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पशु हैं जो हैं, पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है। पीने का पानी भी कह रहे हैं कि बाइक से जो इनका जो ड्रम होते हैं दूध के, उनमें भर के ले आते हैं, पर जानवरों के लिए इतना पानी ये कहाँ से लेके आएँ, ये बड़ी समस्या है। और भी यहाँ लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे, कब से ये दिक्कत आ रही है? ये सब 3 दिन हो गए, 3 दिन हो गए नल बिल्कुल आ ही नहीं रहा। जानवरों को ये मान लो कि वहाँ गड्ढे में ले जाके पिला के लेके आते हैं, हम वहाँ दिन में तो चल जाते हैं, हम रात को तो हम जा नहीं सकते। तो गड्ढे में भी 2 जाने जा चुकी है, उसका जिम्मेदार भी यूआईटी प्रशासन ही होगा। और हम तो के थके, और आए दिन अभी बीमार हो, सब पूरा पानी में कीड़े हैं उसमें। जब मंत्री शांति धारीवाल ने इतनी अच्छी योजना बनी है तो पानी क्यों नहीं मिल पा रहा? तो कहाँ समस्या आ रही है? मंत्री जी के कहने से क्या होगा, यहाँ कोई आके देखते नहीं ना, यहाँ तो आके कोई अधिकारी आके सूती नहीं ली। यहाँ आए दिन अब कम से कम यहाँ 100 आदमी बीमार है भी डेंगू और उससे प्रचलित है, कोई आके सुनते नहीं है। और पानी की बोलते हैं तो पानी बोलता है जा आ रहा, फूल आ रहा, साफ आ रहा, और साफ पानी में कीड़ा है। बोला कि पानी में फिल्टर आएगा पानी, कुछ भी काम का पानी नहीं है, सब में कीड़े हैं इसमें। 10 से 12 हज़ार पशु हैं, डीप होने लगी है, और आए दिन ये लाइट की परेशानी, इतनी गर्मी पड़ती है, इतनी गर्मी में 5 मिनट लग जाए। हम पानी से परेशान हैं और लाइट से दोनों से परेशान हैं। लाइट का बिल भी ज़्यादा आ रहा लोगों के, लाइट बराबर मिलती भी नहीं है, 24 घंटे में 2-3 घंटा लाइट मिलती है। रात कैंप लगा, पानी का तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। पानी का जो मानो 3 दिन देते हैं, 6 दिन बंद रह जाता है, बड़े परेशान है पानी से। हम तो चलो वहाँ से लाके पी लेंगे, लेकिन हम तो वहाँ से लाके पी लेंगे, लेकिन अब इनको कहाँ ले जाके पिलाए? इनको कहाँ ले जाके पिलाए हम बताओ? आप देखिए कि 10 से 12 हज़ार पशु हैं जो इस योजना में हैं, और ये पशुपालक हैं पूरे जो इनकी समस्याएं अपनी बता रहे हैं कि पशुओं को इतना पानी कहाँ से लाकर ये पिलाएं। ऐसे में जो पानी की यहाँ बड़ी टंकी बनाई, बढ़िया व्यवस्था की गई है, जो यहाँ गोबर उसके लिए भी व्यवस्था की गई है, गैस प्लांट यहाँ बनाया गया है कि गोबर उठा, फिर वो भी नहीं उठा जाए तो बीमारियों का हवाला भी दे रहे हैं कि
कई बीमारियों डेंगू जैसी बीमारियों से भी पीड़ित हैं, नाले जाम हो रहे हैं, कोई आता नहीं है, ऐसी ये समस्या है। बहुत शानदार योजना बनाई है नगरीय मंत्री शांति धारीवाल ने, कोटा से पूरे पशुपालकों को करीब 15 से 20 किलोमीटर दूर ये योजना बनाई है, पर इस योजना में अगर ये समस्या आ रही है तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो ध्यान दें, क्योंकि उनको सिटी से निकाल कर या खुले में अगर इनको बसाया है तो ये यहाँ कहाँ जाए, पूरा दूर दूर तक कुछ नहीं है, सिटी में रहते तो कहीं से व्यवस्था हो जाती है, टैंकर मंगवा लेंगे, पर 20 किलोमीटर दूरी पर पूरा जंगल इलाका है, वन विभाग का इधर आगे पूरा एरिया है, पर इस यहाँ से यहाँ पानी कहाँ से लेके आए, और भी लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। हाँ सर, एक मिनट, कब से जी सर धारीवाल जी से कहना कि हम इंसान है, जानवर नहीं है, जो वहाँ से खदेड़ के तो यहाँ फेंक दिया हमें, और यहाँ आटा लाए, बाटा लाए, क्या क्या लाए हम, है ना, पशु मर गए, कम से कम भी 5 से 6-7 हज़ार पशु मर गए यहाँ पे, कोई सुध नहीं ले रहा, बस इतने से कहना चाहता हूँ। आप देखिए जो दर्द वो बता रहे हैं, पशु मर रहे हैं बिना पानी के, जो भी पशु पालक है सब परेशान है, आप जितने भी पशु पालक हैं यहाँ, जितने भी पशु पालक हैं यहाँ सब परेशान है, आए दिन और दो हादसे हो गए, उसके बाद भी कोई सुध नहीं लूँ पानी की, अब कैसे भेजें बच्चों को मार पानी पिलाने, बीमारियों में हर आदमी कम से कम कॉलोनी में 1,000-1,500 आदमी बीमार है, डेंगू हो रहा है उनको, सबको हो रहा है, कोई भी आके कोई सुविधा नहीं है, कोई डॉक्टर की सुविधा नहीं, कोई लाने ले जाने की सुविधा नहीं, बच्चा बच्चे के स्कूल की नहीं, बोला कि 8वीं तक 12वीं तक स्कूल है, बच्चों का 5वीं तक स्कूल है, आश्वासन दिया था लोटन, और आश्वासन दिया कि आपको हाथ आपको वो सुविधा मिलेगी, और कुछ भी सुविधा नहीं है, ये तो हम हाँ जी आश्वासन दिया था, मैं किशोरप्रा से बोल आया हूँ कि तुम्हारे लोटन कंपनी आएगी दूध खरीदने के लिए, चारा डिपो लगेगा तुम्हारे, नहीं तो चारा डिपो लगा, नहीं लोटन कंपनी आई, है ना, और हकीक बीमारी के लिए बीमारी लंपी में वायरस में लंपी में जो गाय मरी ना, वो अनुदान तो गौशाला वालों ने ले लिया और हम यूं ही रह गए, हमारे 21 सर्वे नहीं, गवर्नमेंट ने भी लंपी बीमारी का सर्वे बताया, लेकिन यहाँ पे एक भी बीमारी का सर्वे, एक भी गाय का सर्वे नहीं हुआ, यहाँ कम से कम 6-7 हज़ार गाय मरी है, उसका आज तक ना प्रशासन ना डॉक्टर है ना कुछ भी है, कोई आता ही नहीं, कोई आके लेते ही नहीं, जिसका नुकसान है वो रोके बैठ गया आराम से, अब कौन सुनेगा इसकी भी, उसका लंबी बीमारी से हमारी गायें मरी है, उनका कोई नहीं आके नहीं पूछा, अभी हमारे वो गायों का भी तो मुआवजा होना चाहिए ना, अरे कैमरा चेक करा लो यहाँ, बोला स्कूल है, स्कूल है, सब पांच गायों के लिए बच्चे परेशान है, पानी की व्यवस्था जल्दी करवाएं, नहीं तो हम तो यहाँ से वापस चले जाएं, कोटा कुछ थे यहाँ, यहाँ कुछ भी नहीं, इतना टापरी में थे बाकी कुछ थे, मकान हो गए भी परेशान हो रहे हैं, आए दिन हमारे जानवरों के प्यासे रहते हैं, अब इसको कहाँ ले जाकर पानी पिलाएं, रात को 12 बजे बताओ, लाइट टाइम पे आती नहीं है, आए दिन लाइट काट के बैठते हैं पूरी रात, मच्छर काटो तो काटो, बीमार हो तो उनको कोई सुध लेकर नहीं, कोई भी अधिकारी आके नहीं पहुंचता, नहीं सुनता हमारी कोई बात। आप देखिए जो नगरीय विकास मंत्री, उसने ये योजना तो बना दी, पर सरकारी सिस्टम ऐसे ही काम करता है, क्योंकि जब अगर आपने ये कह रहे हैं कि वहाँ झोंपड़ी बनाकर भी हम रह रहे थे कोटा में, कम से कम पानी की समस्याएं तो नहीं थी वहाँ, ठीक था, पर जब यहाँ मकान दे दिया उसके बावजूद भी अगर समस्याओं का सामना इतना करना पड़ रहा है कि पीने को पानी नहीं है, यहाँ तक कि जानवरों को कहाँ से लेकर पानी पाएं, कुछ जो महिलाएं हैं इनसे भी हम बातचीत करेंगे, महिलाएं भी आई, जैसे हम यहाँ आके पहुँचे तो लोग बड़ी संख्या में इकट्ठे हो गए अपनी समस्याएं बताने के लिए, कई दिनों से इनके फ़ोन हमारे पास आ रहे थे कि हमारे यहाँ पे ऐसी समस्या है, जब आए तो आप देखिए जो विकास पुरुष की जो काम की जो पोल है वो यहाँ जनता खोल रही है, क्योंकि इतनी अच्छी योजना देने के बाद भी अगर आप देखिए जनता इस तरह की बात करती है कि समस्याएं हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ये समस्याओं से जूझ रहे हैं, पशु मर रहे हैं लगातार, पर UIT प्रशासन और ना मंत्री इस पर ध्यान दे रहा है, कुछ महिलाएं हम बातचीत करेंगे। कब से समस्याएं आ रही है? 3 सदन से परेशानी आ रही है, पानी नहीं होगा तो हम जानवर ना कहीं पिलाएंगे, नहीं तो पास आप इसको जाएंगे, बहुत परेशान हो जाए बिजली से और एक पानी से, हाँ हमारे बहुत 3 दिन हो गए, बहुत परेशानी आ रही पानी की, और हम नहीं होकर फिर हम कोटा वापिस जाएंगे, बोर नहीं तो लाइटों का समस्या, सब चीज़ की समस्या है यहाँ पे, और नहीं जो क्या कहे जो पहले 2 हादसे हो गए पहले पानी के चक्कर के अंदर, और नहीं हमारे जानवरों को पानी, 3 दिन हो गए अब पानी के चक्कर में, नहीं तो ना दोनों बच्चे स्कूल जाते, नहीं तो पानी तो है पानी बच्चों के लिए, और नहीं जो पीने का पानी कहाँ से लाएं पानी। जो मंत्री जी ने इतनी अच्छी आप लोगों के लिए योजना बनाई, आप वहाँ झोंपड़ी में रहते थे, यहाँ आपको घर दे दिया, यहाँ सब कुछ दे दिया, आपको स्कूल भी दे दी सब कुछ, उसके बाद भी ये पानी की समस्या क्यों आ रही है? समस्या आ रही, बहुत समस्या आ रही। आप मिले नहीं कोई आपका यहाँ से मंत्री जी से, UIT अधिकारियों से? अधिकारी आते ही नहीं, और वो जाते हैं वहाँ UIT में सुनाई तो करते ही नहीं,
लाइट की बीमारी, लाइट दिन भर गर्मी मरता है, बच्चा बच्ची परेशान हो रही है, पानी नहीं है पीने का, बच्चे पढ़ने नहीं आते, उनके लिए लाइट नहीं है, टाइम बारिश आता है तो बारह हुआ तो चादर मच्छर खावे बच्चा बच्ची ना, गर्मी रात भर गर्मी मर लागे परेशान आ रही, पानी की बहुत मच्छर, कुछ महिलाएं जिनसे हम बातचीत करेंगे जी। रोड पर लाइटें नहीं है, नाड़े आले सब गंदगी हो रही है, माचर माखी हो रहा है, बच्चे बच्चे गंदगी हो रही है, बीमार हो रहा है, डेंगू हो रहा है, सुने करो माखी नहीं हो तो आप ही सारे में कोटे। तो आप देखिए जो महिलाएं हैं जो कह रही हैं कि अगर हमारे यहाँ हम कई दिनों से पानी के बिना परेशान हो रहे हैं, पशु मर रहे हैं, ऐसे में अगर हमारे यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं करवाई जाती है तो हम वापस कोटा की तरफ जाएंगे, वहीं झोपड़ी डाल कर रह लेंगे, पर ये इतना जो मकान बना के दिया सब बना के इसका क्या करें, जब हमारे पशु ही बिना पानी के मर जाएंगे तो हम क्या करेंगे इस योजना का। बड़े सारे ब्लॉक की सारी जी सारी ब्लॉक की खेड़े खड़ी पड़ी है, उसमें काफी टाइम हो गया, दो तीन दिन हो गया नल नहीं आते, ये पहले दो तीन बार हादसा, दो बार हादसा हो चुका उस चीज के लिए, कोई सरकार सुनी नहीं कर रही, मंत्री जी क्या कर रहे हैं, प्रसारण द्वारा यूआईटी द्वारा वो करते हैं उसमें, तो यूआईटी के अधिकारियों से आप लोग नहीं मिले? नहीं मिलते हैं ना, फोन करते हैं, सुनाई नहीं करता उस चीज के अंदर, अध्यक्ष साहब बोलते बाकी कुछ सुनाई नहीं करता, इधर से इधर निकाल देते जी, फिर बच्चे को पानी पीने जाएंगे, फिर बच्चे को हादसा हो जाए तो फिर आगे पहले दो बार हादसा हो गया बच्चों के साथ। तो ये लगातार अधिकारी और मंत्री से संपर्क कर रहे हैं, कई दिनों से यूआईटी के अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं ये भी हम जानेंगे। और सौ डेंगू मरीज आ चुके हैं अब, ये बता रहे हैं कि करीब 100 से ज्यादा संख्या डेंगू के मरीज आ चुके हैं, नालियां साफ नहीं हो रही है, तो ऐसे में जब जो सरकार की जो योजनाओं की जो पोल है वो ये जनता खोल रही है कि किस तरह का सरकार का विकास है, पूरे इसी योजना में नहीं, पूरे कोटा में चंबल नदी होने के बावजूद कहीं पर भी पानी की व्यवस्था नहीं है, ऐसे में अपने आप को नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल विकास पुरुष बताते हैं, सड़कें बना रहे हैं, चौराहे बना रहे हैं, पर लोग कहते हैं कि सड़कें और चौराहों का क्या करेंगे जब जीवित ही नहीं रहेंगे, तो ऐसे में देखिए हम इनसे बातचीत करेंगे, क्या क्या बातचीत हुई आपकी? मैंने यूआईटी के नाथन जी से कम 10 बार बात होगी मेरी, वो कहते हैं कि अभी घंटे भर में चल लो जाए किरण जी पानी, वो कहते हैं कि पीएचडी वाले हमें पानी नहीं दे रहे, उनसे बात करते तो वो कह रहे हैं हमारा आज पाइपलाइन खराब हो गया, किसी दिन कहते हैं कि पंप काम नहीं कर रहा, मैंने उनको 10 बार कह दिया कि अपने 50 लाख लीटर का स्टॉक बना रखा, किस लिए बना रखा आपका पानी की, उसके 2-3 दिन की पानी का कैपेसिटी रखो, स्टॉक तो पाइपलाइन खराब हो जाए या पंप खराब हो जाए तो वहाँ से हमें पानी दो, इसके लिए मंत्री जी ने कह रखा उनको, ओली कहने से काम नहीं है, मंत्री जी के मतलब हर चीज़ कह रही है लेकिन कोई अधिकारी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, अधिकारी सारी मंत्री जी को ऐसा मैसेज डालते हैं कि ऐसी योजना हमने ऐसी सप्लाई कर दिया, ऐसा काम कर दिया, कुछ भी काम नहीं कर रहे अधिकारी, और हम फ़ोन करते तो हमारे फ़ोन के ये कहते हैं कर रहे हैं अभी आ रहे हैं कल परसों से आपके पानी चल लो हो जाएगा, ये हो जाएगा, मैं आज दिन भर कोई 1000 फोन लगा लिया, मैंने 1000 फोन लगा दिया दिन से, और दो बार यूआईटी जाके मिल के आऊँ, एक दूसरा के ऊपर टालते हैं, वो तो कहते हैं पीएचडी वाले पानी नहीं दिया, वो कहते हैं कि यूआईटी वाले अधिकारी उनकी जिम्मेदारी, वो कहते हैं राणपुर में लाइट नहीं आ रही, वो कहते हैं आपकी योजना में लाइट नहीं आ रही, हम कहाँ से पानी दें, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या आप लोग जी, मैं ही कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से मंत्री जी तक बात पहुँचाने चाहता हूँ, अगर आप इस चीज़ को अधिकारी को तुरंत फटकार लगाए, नहीं तो देवनारायण की योजना के सारे पशुपालक कोटा में जाएंगे, इसके जिम्मेदार सेम पशुपालक भी अपने अधिकारी होंगे, तो प्रशासन मंत्री का जिला भी यही है, तो वो यही थे अभी कुछ दिन पहले कि आप लोग जाके मिले नहीं? नहीं मंत्री जी से नहीं मिले, मंत्री जी से हम नहीं मिले, मंत्री जी के अधिकारी से मिले वही दे देते, इतने दिन हमें लॉलीपॉप आज आ रहा कल आ रहा पानी हो जाएगा, अगर ये नहीं देंगे तो फिर मंत्री जी के पास भी जाना पड़ेगा हमें, तो जयपुर जाएंगे आपने मंत्री जी से बताया कि ये नहीं हम को बताने के बाद हमने ये पानी संपर्क नहीं हो पा रहा, नहीं पर भी बात नहीं, नहीं मंत्री जी के कोई संपर्क नहीं हो पाया हमारी। हाँ तो देखिए आप ये कह रहे हैं कि पूरा जो हम यहाँ के जो पशुपालक हैं हम कोटा अगर चले जाएंगे अगर पानी की व्यवस्था यहाँ नहीं होती, तो ऐसे में ये कह रहे हैं कि अधिकारी एक दूसरे पर टाल रहे हैं, मंत्री जी ने तो कह रखा है, पर अगर मंत्री जी ने अधिकारी को कह रखा है तो अधिकारी क्या मंत्री जी की नहीं सुनते या मंत्री जी ने कहा ही नहीं है वो तो पता नहीं, पर इनकी जो समस्या है वह ये है कि इनको पानी मिल नहीं रहा, पानी के बिना यहाँ काफ़ी परेशान है पशुपालक जो पशु है, इनको पानी कहाँ से पिलाए, 12,000 की संख्या में यहाँ पशु है, इतने इन पशुओं के लिए पानी कहाँ से लाए, कोटा से 20 किलोमीटर दूर खुले में ये योजना बनाई हुई है, आप देखिए जो पूरी दूर दूर तक आपकी नज़र जाएगी, करीब 750 घर यहाँ पशुपालकों के हैं और यहाँ पशुपालन ये करते हैं, पहले कोटा में थे, ये करेंगे झोपड़ी डाल के वहाँ रह रहे तब भी कुछ थे, पर जब ये योजना बना दी उसके बावजूद
बावजूद भी यहाँ नहीं है, अंदर पूरी व्यवस्था की गई है, पानी भरने के लिए भी व्यवस्था की गई है, पशुपालकों के लिए भी आप देखिए जो पूरी टीन सेट की जो व्यवस्था है वो की गई है, और इनके रहने के लिए भी पूरा अंदर फ्लैट टाइप एक बनाया गया है बढ़िया, अलग अलग सबके बाउंड्री है, अलग घर है, सब कुछ दिया पर पानी नहीं दिया, क्योंकि पानी के लिए यहाँ बड़ी बड़ी टंकी भी बना दी, पर आप देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो ये पानी के लिए इसमें जो होदी बनाई हुई है इसमें आप देखिए पूरी खाली पड़ी है, इसमें पानी नहीं है, ये जानवर यहाँ बंधे हुए हैं, अब ये जानवरों को ये पानी कहाँ से पिलाए ये समस्या है। ऐसे में नगरीय विकास मंत्री भी हैं वे, उनका गृह जिला है, जब योजना बना दी तो इस पर सुनना चाहिए, अब अधिकारियों के लिए अधिकारी मंत्री की नहीं सुन रहे तो, या फिर मंत्री जी ने अधिकारियों को कहा ही नहीं है, तो ऐसे में कोटा में बड़े बड़े विकास करवा रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, चौराहे बना रहे हैं, अच्छी बात है, पर पानी और बिजली की समस्याओं पर भी ध्यान देना चाहिए। कैमरामैन राकेश खोड़वा के साथ चेतन गुजर, कोटा।